नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूबर आशीष बघेल। चंबल में कभी गडरिया गैंग की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। गडरिया गैंग का वो सरदार जिसने मध्य प्रदेश पुलिस की नाक में दम कर दिया था, इसी के फतवे से सांसद, विधायक और सरपंच चुने जाते थे। इसके फरमान के बाद ना तो किसी अदालत में सुनवाई होती थी और ना ही किसी पंचायत में फैसला होता था। इसका फरमान ही आखिरी अदालत थी। ये कहानी है चंबल के उस शेर की जिसने एक समय में चंबल के बीहड़ों में अपना साम्राज्य कायम किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंबल के शेर रामबाबू गडरिया की। रामबाबू गडरिया के गिरोह में कितने डाकू थे ये कभी पुलिस को पता नहीं लग पाया। पूरा गिरोह कभी किसी वारदात में एक साथ शामिल नहीं हुआ करता था। रामबाबू अपने साथियों का बदल बदल कर उपयोग करता था, इसके बदले उन्हें हिस्सा दिया जाता था। अनेक वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह का अंदाज सबसे अलग था। मुखबरी की आशंका में इस गिरोह ने ग्वालियर जिले के भबरपुरा गाँव में 13 गुजर ग्रामीणों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया था। गडरिया गिरोह ने फिरौती और लूटपाट के जरिए करोड़ों की संपत्ति जुटाई थी। आंकड़े बताते हैं कि इस गिरोह ने अमीरों को लूटकर लगभग 2 करोड़ की संपत्ति जुटाई थी, जिसकी आज के समय में कीमत लगभग 40 करोड़ बताई जाती है। रामबाबू और दयाराम पूरी गडरिया गैंग पर लगभग 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। ये गिरोह अपने काम करने के तरीके के लिए बहुत ही मशहूर था। पुलिस को कभी ये पता नहीं लग पाया कि इस गिरोह में आखिर कितने सदस्य हैं। अनेकों वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह को ख़त्म करना मध्य प्रदेश पुलिस की सरदर्दी बन गई थी। माना जाता है कि वर्ष 1997 में रघुवीर गडरिया ने इस गिरोह को बनाया था, जब उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ चली गई थी। साल 1999 में गोली लगने की वजह से रघुवीर गडरिया मारा गया, उसके साथ 3 और लोग मारे गए। सन 2000 में इसके कई और सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और वो भी मारे गए, लेकिन सन 2000 में इस गैंग के कुछ सदस्य एक जेल से दूसरी जेल ले जाते समय भाग निकले। अब पुलिस वालों के सामने बस 2 ही लोग निशाने पर थे, एक रामबाबू गडरिया और दयाराम गडरिया। अकेले रामबाबू गडरिया पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था। साल 2006 में एक मुठभेड़ में दयाराम गडरिया मारा गया। अब आया साल 2007, जब सैकड़ों पुलिस वालों और रामबाबू गडरिया के बीच में मुठभेड़ हुई, हजारों फायर हुए और इन्हीं में से कुछ गोलियां रामबाबू के लग गईं। घंटों चली मुठभेड़ में रामबाबू गडरिया भी मारा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।